वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। मेरी गुजारिश होगी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा बिहार से तशरीफ लाए हुए रिसर्च स्कॉलर जनाब मोहम्मद मरजान अली से कि वो तशरीफ लाए और अपना मकाला पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकाले का मौका पंच की रिवायत और दीवार कालपन उर्दू सकाफत की इब्तदाई तारीख में लफ्ज़ पंच की मुख्तलिफ अंदाज की मौजूदगी नजर में आती है। बेशक इसका नुकता उरूद अवध पंछी है, मगर मुल्क के दूसरे खित्तों में भी ये लफ्ज़ किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। सूबे बिहार की सहाफत की तारीख पर तवज्जो देने से यह हकीकत भी जाहिर होती है कि अवध पंछ की शोहरत और मकबूलियत अपनी जगह इससे एक बरस पहले बिहार पंच नाम का अखबार 26 नवंबर 1876 को जारी हो चुका था, जिसकी वजह से पंच नामों के इस्तेमाल का जो सिलसिला मिलता है उसमें सूबे बिहार की अव्वलियत साबित होती है। मगर अवध पंच अपने म्यार और अपनी शोहरत की वजह से हिंदुस्तान के किसी भी पंच से आगे माना गया। उर्दू सहाफत की अव्वलीन तारीख रकम करने वाले मुहद्दिक सैयद मोहम्मद अशरफ ने अख्तर शहनशाही में बिहार पंच का इरा 1876 तस्लीम किया है। उन्होंने लिखा है कि मोहल्ला लोधी कटरा से हफ्तावार 4 और 8 पर मुश्तमिल यह अखबार बिलउमूम जुमा को शाया होता था। इस अखबार के मालिक का नाम मोहम्मद अकबर खान और मुद्दमिन मुंशी नौरोज अली खान शैदा बताए जाते हैं। डॉक्टर ताहिर मसूद की तहकीक के मुताबिक अवध पंच का पहला शुमारा 16 जनवरी 1877 को मंदरयाम पर आया था। इस एतबार से बिहार पंच की अवलियत साबित है, मगर ताहिर मसूद इस तारीख इजरा को मशकूक तस्लीम करते हैं। अखबार के असल शुमारे कहीं दस्तयाब नहीं हुए, इस वजह से बिहार पंच के मुश्तमिलात की रोशनी में उसकी कदामत पर बहस मुश्किल है। पंच की रिवायत देखते देखते कुछ इस तरह इस्तेहकाम की हामिल हो गई कि मुल्क के गोशे गोशे से पंच नाम के अखबार शाया होने लगे। अवध पंच तो कमोबेश 36 बरस निकलता रहा, मगर और भी कई पंच ऐसे हैं जिनका उर्दू सहाफत का कदीम तारीख से बराह रास्त रिश्ता कायम होता है। सरपंच हिंद लखनऊ 1877, देहली पंच लाहौर 1880, देहली पंच देहली, लाहौर पंच लाहौर 1891 और अलपंच पटना 1885। उस अहद के सामाजिक तकाजों के मुताबिक पंच एक आम वहम और आवामी जिंदगी से जुड़ा हुआ लफ्ज था। अवध पंच अखबार की इशात से ये लफ्ज आवाम में अपना एक जरीफाना और सियासी व सामाजिक इजाज जाहिर करने में कामयाब हुआ। इसी का असर था कि हर कोशे से पंच निकलने शुरू हुए। पंच निकलने का असर ये हुआ कि उस इलाके से कोई जरीफाना अखबार शायद हुआ। अलपंच पटना की इशात के बाद 19 मार्च 1885 के इंडियन क्रॉनिकल पटना के शुमारे में ये इतला शायद हुई, कोट, हमारे शहर में एक पंच की जरूरत थी और चंद बरस पेशकर 2 पंच शायद हुए थे, लेकिन एक भी जारी नहीं रहा, अनकोट। इस इक्तबास से भी ये बात जाहिर होती है कि जिस अखबार या रिसाले में पंच नाम की शमूलियत हो गई उसकी सूरत जरा जरीफाना हो जाएगी। पंच लफ्ज से अलपंच बनाना ही एक जराफती लफ्ज साजी का अमल है, क्योंकि मुकम्मल गैर अरबी लफ्ज के साथ अल का शामिल होना अपने आप में समान बयान और तहजीब व सकाफत के उमूर में नयापन और इश्तेहार के अजजा अस्खुद जाहिर हो जाते हैं। बिहार पंच की जो हैसियत हो, ये हकीकत है कि अलपंच अखबार अवध पंच के तदब्बों में निकला और उसकी सहाफती रिवायत कमोबेश वही है जो उसी जमाने में अवध पंच की थी। अवध पंच आज़ादी इजहार, गुलामी के खिलाफ जिद्दोजहद और ज़राकती पैराए में जिंदगी के हर सच को पेश करने का एक गैर मामूली जरिया बन गया था। उसके लिखने वाले बिलखसूस नौरत में इतने नुमाया थे कि उनकी तहरीरें देखने की लोग तमन्ना पाले रहते थे। खामोशी से उसने बरतानवी हुक्मरानों के खिलाफ मुजाहिदा भी शुरू किया और कुल वतनी के जज्बे से इसने लोगों को सरशार भी किया। मुंशी सज्जाद हुसैन के लायक यादव और बेहतरीन लिखने वालों की एक माकूल टीम ने इस अखबार में एक जादू कर दिया था। इससे पहले इस मिजाज का कोई दूसरा अखबार मुल्क में मौजूद नहीं था। अवध पंच की कामयाबी ये है कि वहाँ एक से एक जरिए तबाह जमा होते गए।
नवाब सैयद मोहम्मद आजाद, अकबर अलाहाबादी, मुंशी अहमद अली शौक, पंडित तुलवन नाथिल, मुंशी जवाला प्रसाद भट्ट, मच्छू बेग सिदम जरीन, अहमद अली कसमंडवी और काजी सर अजीजुद्दीन, मुंशी सज्जाद हुसैन के वो साथी हैं जिन्होंने अपने कलमी ताउन और मुख्तलिफ पदासादी में मुंशी सज्जाद हुसैन का हाथ बटाया। ये याद रहे कि अवध पंच के उस जमाने में सैयद अहमद खान, अल्लाह हुसैन खानी, रतननाथ सरशार और दाद देवी जैसे अपराध के खिलाफ मारके सर किए। 5 फरवरी 1885 ईस्वी को अजीमाबाद वापस उसे यह अखबार जारी हुआ। उर्दू सहाफत की मुख्तलिफ तारीखों में अलपंच का तस्करा मिलता है। 1888 ईस्वी में अख्तर शाहशाही की इशात हुई जिसमें अलपंच के इब्तदाई शुमारों का हाल दर्ज है। इब्तदाई तौर पर इस अखबार को सिर्फ 4 महीने के लिए जारी किया गया था। 6 और 8 पर मुश्तमिल यह अखबार पहले मौलवी शरफुद्दीन अहमद साहब बैरिस्टर एट लॉ के मकान से शायद होता था। इब्तदाई दौर में इसके मुंतमिन मुंशी मोहम्मद आजम थे। शुरू में अफसनुल मताबे में इसकी इशात हुई, बाद में यूनियन प्रेस मोहल्ला मुसल्लेपुर सैयद अल्ताफ हुसैन वकील के मकान से शाये होने लगा। बाद में मौलवी रहीमुद्दीन साहब मालिक और मौलवी सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब मैनेजर हुए। अख्तर शाहनशाही की तबाहत बाबत 1888 के बाद भी यह अखबार को बाद तक निकलता रहा। खुदाबख्श लाइब्रेरी में 1907 ईस्वी के अखबार और कई साल की मुकम्मल फाइलें मौजूद हैं। अखबार का दफ्तर, प्रेस, मुंतमिम और मैनेजर हमेशा बदलते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह सहाफत की तादाद में भी तफरीक या इजाफे की सूरत रहती है। इस अखबार के सरवरक पर इश्तहारात और कार्टून खास तौर से शाये हुआ करते थे। अक्सर अखबार 2 कॉलमों पर मुश्तमिल हुआ करते थे। डॉक्टर तारिक मसूद ने अलपंच के एडिटर के सवाल पर अपने दर्जदेल तरसरात का इजहार किया है। कोट, प्रिंट लाइन में एडिटर व पब्लिशर के तौर पर मौलवी रहीमुद्दीन का नाम छपता था, लेकिन अमलन इदारत के फ़राइज हाफिज फजलेहा आज़ाद अंजाम देते थे, जो अपने ज़माने के मशहूर अदीब, सहाफ़ी और नज़्मगो शायर थे। अलपंच के ज़्यादातर मज़ामीन नज़्म नस्ब वही लिखते थे, फर्जी नामों से भी उनकी तहरीरें छपती थी। अनुकूल, इस एतबार से ये समझना मुश्किल नहीं कि इस अखबार ने कुछ अपने पोशीदा मकासद रखे थे। उन पोशीदा मकासद में शाह अजीम आबादी की खिदमात के खिलाफ एक माहौल भी पैदा करना था। काजी अब्दुल वदूद ने अलपंच के 1902 और 1903 के शुमारों के हवाले से रिसाला मुआसिर और चराचरा कलकत्ता में अपने मजामी शायर कराए। उन्होंने भी शाह अजीम आबादी से मुआनदत के सवालों पर अपनी राय पेश की है। शाह अजीम आबादी का कौल था कि अलपंच के हिजरा की इल्लत गाई उनकी मुखालिफत थी। ये सही हो या ना हो, ये दुरुस्त है कि इसमें कई बरसों तक उनके खिलाफ मजामी निकलते रहे। अलपंच का जिस वक्त आगाज हुआ साक्षात की सूरत ख्याल छिप चुकी थी और मोहम्मद आजम मुद्दई थे कि यह दरअसल उनकी लिखी हुई है। नवाईवत की वजह से भी बहुत से लोग उस जमाने में उनसे खफा थे। 1902 ईस्वी में या इससे भी पेशतर अलपंच और शाह में सुलह हो चुकी थी। 2 अगस्त 1902 ईस्वी के अलपंच में सैयद रहीमुद्दीन मफ़ूर मुदीर अलपंच की वफात पर शाह ने जो कतात तारीख पहले से मौजूद है। शाह अजीम आबादी ने अपनी किताब नवाए वतन में कौन जबान दाखिल और किसकी जबान मुस्तनद इस मौजू पर अपने पुरअसतासुब ख्याल का इजहार किया था, जिस पर अहले बिहार और बिलखसूस अजीमाबाद के अफराद ने इस पर रद्दमल का इजहार किया। मोहम्मद आजम जो इसके मुहतमीम अव्वल हैं व शाह अजीम आबादी से नौबे सूरतुल ख्याल के सिलसिले से कविता खाते थे। उनके दोस्त मुंशी हसन अली जो हिंदी अखबार बिहार बंधु सालेजरा 1873 ईस्वी के मुदीर थे। इन लोगों ने शाह अजीम आबादी पर अपने मसूबे से नकल और चोरी का इल्ज़ाम आयद किया था। ये अखबार ऐसी मारका आयों का मरकज बन गया था। फजलेहा खैर आबादी की उस पनाही के साथ इस अखबार को बड़ी तादाद में कलमी मुआविनी मिलते रहे। सैयद अहमद खां, वकारुल शिबली नुमानी और दूसरे मोतबर अशखास की तहरीरें या उनके बारे में खबरें पाबंदी से शाये होती थी। 1902 ईस्वी के शुमारे में सैयद रहीमुद्दीन जो उसकी अदालत के जिम्मेदार थे उनकी मौत की इत्तला दर्ज है और ये भी वाज़ेह किया गया है कि अब मुदीर खैर दरभंगवी हैं। वह नायब मुदीर के तौर पर कोई 8 वर्षों से इस अखबार में काम कर रहे थे। खैर रहमानी शागिर्द दाग थे और नसर नस्म में उनकी बेशुमार तहरीरें सामने आ चुकी थी।
काजी अब्दुल वदूद ने जनवरी का जून 1903 ईस्वी में शुमारी का ताल्लुक कराते हुए शाह नजीम आबादी के ताल्लुक से अलपंच के बदलते हुए रिश्तों पर मजीद रोशनी डाली है। उन्होंने शाह की किताब जो उर्दू तालीम के मुतालिक थी उसके बारे में अखबार की आरा का तस्करा करते हुए अपने तासुरात इन अल्फाज में तस्करा करते हुए अपने तासुरात का इजहार किया है। शाह की किताब उर्दू तालीम की तारीफ की है और सिफारिश की है कि अखबार वतन अपनी हमीदिया एजेंसी में इसे न मांगे, वकील इसकी इशात की सही करे और सर रिश्ते तालीम इब्तदाई दर्जों के निसाब में इसको दाखिल करे। इस रिसाले में छोटी छोटी शिकायतें मजेदार नज़में भी हैं जो ऐसी चटपटी और बरजस्ता के लड़कों को पढ़ने और समझने में दिक्कत न हो। यह किताब चंद महीनों में अलिफ बा से लेकर इबारत नवेसी तक का सलीका पैदा कर देती है। उर्दू की कोई पहली किताब इस इहतमाम और दावे से नहीं लिखी गई। अनकोट अखबार में शाह के सिलसिले से और भी तौसीफी मौजूद खैर रहमानी की अदालत के जमाने में नजर आते हैं। एक जगह शाह का शुक्रिया अदा किया गया है कि उन्होंने अखबार अलपंच में अपने अशआर शायर करने की इजाजत दी। इससे यह भी साबित होता है कि अलपंच ने वक्त की तब्दीली के साथ अपने मिजाज को भी बदला था। अखबार अलपंच में अदब और सियासत का एक माकूल इम्तिजाज था। अखबार नवेश ऐसे बदलासन जो वाकई हुए जिन्होंने संजीदा मौके से भी लुत्फ तबीयत से नए माना पैदा कर दिए। तालीमी मौजूदात पर भी इस अखबार में जगह जगह रोशनी डाली गई है। मदारिस के प्रोग्रामों और मुशायरों के बारे में भी इस अखबार में माकूल इत्तला मौजूद हैं। शुराकराम के तरी और गैर तरी कलाम भी इन तमाम से शायद होते रहे। इसकी उम्र अवध पंच की तरफ तो नहीं हो सकी मगर मुख्तलिफ कराइन से यह अंदाजा होता है कि 1885 से 1907 यानी 22 वर्षों तक यह अखबार निकलता रहा। इसमें शायद शुदा तस्वीर और कार्टून लोगों के लिए मरकज तवज्जो रहे। काजी अब्दुल वदूद ने इसके जरीफाना अंदाज को कुछ काबिल एतराज़ नहीं माना। उनका कहना था इसकी ज़राफ़त का पाया पलक न था और ये बेतकल्लुफ़ ज़ाती हमले सोफियाना अंदाज में किया करता था। ये बहुत हद तक दुरुस्त तजिया है मगर इस अखबार की वजह से अदीबाबाद की महफिलों में हवा हमी रही और अदब व सकाफत के मामला में एक गर्मी महफिल बर्पा होती रही। अलपंच के बंद होने के बाद बिहार में चंद दिनों के लिए मगध पद को शायद हुआ मगर उसे अलपंच का न बदल कहा जा सकता है और न ही उस अजीम शान इल्मी और सहाफती रिवायत की तस्दीक या तौसी से ताबीर किया जा सकता है। अलपंच की पीढ़ियाँ उसके तीनों निश्तर और जबानों बयान के सिलसिले से खसूसी तवज्जो हमारे लिए हमेशा काबिल तवज्जो रहेगी। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.